समाजवादी पार्टी तो बहुत छोटी पार्टी है, कैसी सरकार बनाने का काम। मैं आपको इतिहास बताता हूं किसान भाइयों, इसी प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने राजनीति शुरू की थी और किसानों के बीच रह के राजनीति चौधरी चरण सिंह ने शुरू की और देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसी प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजनीति शुरू की थी और देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसी प्रदेश में चंद्रशेखर सिंह राजनीति शुरू किए थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटें लोकसभा की 80 सीटें हैं। आज सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर बलिया तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। यदि 80 में से 40, 45, 50 तक जीत जाते हो नौजवान साथियों, तो आने वाले समय में इस देश की ताकत आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, अखिलेश यादव जी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और निवेदन करते हुए, इलाका मुझसे कोई अछूता नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोगों के लोकप्रिय विधायक बस्ती सदर और पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री महेंद्रनाथ यादव जी, पार्टी के महासचिव जनाब मोहम्मद स्वाले साहब, अभी सैनिक प्रकोष्ठ के साथी हमारे पार्टी के बारे में आप लोगों को बताने का काम कर रहे थे, रिंटू यादव जी संचालन कर रहे, हमारे संचालक महोदय, विधानसभा अध्यक्ष जी, और हमारे बीच में हमारे भाई जो प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी के, विजय विक्रम आर्या जी, सामने समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी साथियों, समर्थक साथियों, माताओं बहनों, हम अपनी बात दुष्यंत कुमार के दो लाइनों से शुरू करना चाहेंगे।